वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं अंकित कटियार, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम लोग कराने जा रहे हैं बालों में हाईलाइट, तो देखते हैं इसको कैसे होती है और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। तो पहले हम लोग करेंगे प्री लाइट 10 से 12 लेवल तक की, इसको व्हाइट करेंगे फिर उसके बाद कलर करेंगे। कलर या कम ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए तो ये पतला चाहिए, ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा मोटा चाहिए। तो अभी सेक्शन निकाला जा रहा है, हाँ, अभी सेक्शन निकाला जा रहा है जहाँ पे आपको चाहिए, आपको पफ लुक में चाहिए तो ये पूरा सेक्शन रहेगा और ये पीछे तक की आपकी हाईलाइट आएगी। ये वो लाइट जो है 8 से 9 लेवल तक की दिया, अभी हमें और प्रीलाइट करना पड़ेगा, पूरा व्हाइट व्हाइट करना पड़ेगा आपका, 12 लेवल से 13 लेवल तक हमें प्रीलाइट करना पड़ेगा। ब्राउन शेड ठीक है, इससे पिगमेंट निकालने व्हाइट लेवल तक, यानी ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं, जब ये व्हाइट आ जाएगा तभी ब्लू कलर आएगा। अब ब्लू कलर जो होता है वो सही परमानेंट कलर कटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोग ये लग जाएगा, इस पर बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, जैसे कि जो उसके पिगमेंट जो है बालों के कलर है जो भी हो टोपेबाजी, उसके बाद काफी टाइम लगता है, तो काफी वेट करना पड़ता है, मैंने काफी वेट किया, आधा घंटा हो गया वेट कर। अभी अभी ये अभी दूसरी लेयर लगी हुई है, इसमें अभी और टाइम लगने वाला है, तो बहुत तेज गर्म दर्द हो रहा है, आदत तो है बैठने की, तो बढ़िया। तो अभी थोड़ा टहलने की जरूरत पड़ गई है, देर से बैठे हैं, इतना टाइम लग रहा है देखो, तो अभी थोड़ा टहलने आए हुए हैं, पैरों को थोड़ा रिलैक्स मिले, कैसी हो। मसल लॉस नहीं होगी, अभी हेयर कट आने से मसल लॉस हो सकती है ना, इसलिए बहुत टाइम हो गया है। नींद आ रही है 7 बजे आए थे, 10 बजने जा रहा है, 3 घंटे हो गए, इतना टाइम लगता है, जिसके बाद बहुत टाइम हो, जिसकी गर्लफ्रेंड माँ बाप भाई बहन परिवार कोई ना हो वो कराना ठीक है, वरना हालत खराब होने वाली है। 10:30 बज गए और अब तक कोई सिस्टम काम हुआ नहीं है, अब बहुत टाइम लगने वाला है। तो जैसा कि आप लोग ने अभी देख ही लिया कि बालों पर कलर कैसे होता है और कैसे हम लोग कलर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग कलर डिपॉजिट करते हैं, तो जो मेरी फाइनल कंडीशन आई है वो कुछ इस तरीके की आई है, तो देख ही रहा होगा आपको, है ना। तो अगर आप लोगों को मेरे बाल अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं अच्छे लगे ना तो भी बता देना, कोई दूसरा कलर करा दूंगा, और जो जो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सारा कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाय बाय।